हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, नॉर्थ कोरिया किम अराइव्स इन रशिया टू मीट विथ पुतिन। तो ये किम जोंग कहाँ जा रहा है? रशिया जा रहा है। तो ये दोनों मन मौजी लीडर अपने मिल रहे हैं, देखते हैं यूएसए के खिलाफ क्या अपना ये पॉलिसी बनाते हैं और क्या ही करेंगे, बैठ के हंसेंगे और क्या करेंगे। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन अराइव्ड इन रशिया ऑन ट्यूजडे अहेड ऑफ अ मीटिंग विथ प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन दैट द यूएस हैज वाउंड कुड सी एन आर्म्स डील टू सपोर्ट मॉस्को असॉल्ट ऑन यूक्रेन। अच्छा, तो ये जा रहे हैं सपोर्ट करने, ऐसी बात है। अभी इन लोग को चाहिए नहीं कि लड़ाई खत्म हो जाए। मेकिंग अ रेयर फॉरन ट्रिप एंड इज फर्स्ट सिंस द पेंडेमिक एंड अनस्माइलिंग मिस्टर किम वेव्ड फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज हेविली आर्मर्ड प्राइवेट ट्रेन एज इट डिपार्टेड फ्रॉम पोंगयांग ऑन संडे इवनिंग। मिस्टर किम विल मीट पुतिन एट ए अनस्पेसिफाइड लोकेशन इन रशियाज फार ईस्ट रीजन लेटर दिस वीक। किसी को नहीं पता कहाँ मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ऐसा बताया है, मिस्टर पुतिन इज अटेंडिंग द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इन व्लादिवोस्टॉक, द फार ईस्ट सिटी क्लोजेस्ट टू द नॉर्थ कोरिया बॉर्डर। तो अगर आप देखेंगे व्लादिवोस्टॉक, जैसे रशिया अगर बहुत एक्सपेंड है तो यहाँ पर है व्लादिवोस्टॉक और उसके नीचे में नॉर्थ कोरिया है। तो यहाँ पे ये सिटी को अटेंड करने वाले हैं अपने, इसको ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को। दो देर हैज़ बिन नो इंडिकेशन दैट द इंटरनेशनली आइसोलेटेड पेयर वुड होल्ड देयर टॉक्स देयर। अच्छा, इनको नाम दे दिया गया इंटरनेशनली आइसोलेटेड पेयर, अच्छी बात है। रिपोर्टर्स ग्रांटेड एक्सेस टू द रशियन लीडर एट अ फोरम रिफ्रेंड फ्रॉम आस्किंग मिस्टर पुतिन डिटेल्स ऑफ द विजिट, बट ही टोल्ड जर्नलिस्ट ही वुड सून विजिट द वोस्टोनची, अच्छा इनका जगह है, रशियन स्पेस पोर्ट सम 1000 किलोमीटर फ्रॉम व्लादिवोस्टॉक। आई हैव गॉट माई प्रोग्राम देयर एंड व्हेन आई गेट देयर यू विल नो, ऐसा उन्होंने बोला है साफ। कुछ नहीं बताया भाई, कहाँ जा रहे, कब जा रहे, मेरा प्रोग्राम हो चुका है, जाऊँगा, पता चल जाएगा तुम लोगों को। एक्सपर्ट सेज मॉस्को विल लाइकली टू सीक आर्टिलरी शेल एंड एंटी टैंक मिसाइल फ्रॉम नॉर्थ कोरिया विच वॉन्ट्स एडवांस सेटेलाइट्स एंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन टेक्नोलॉजी इन रिटर्न। तो अपना अपना फ़ायदा दोनों देखेंगे, ये लोग आर्टिलरी शेल लेंगे, एंटी टैंक मिसाइल लेंगे, और वो लोग क्या लेंगे, न्यूक्लियर पावर सबमरीन लेंगे और एडवांस सेटेलाइट लेंगे। द वाइट हाउस वॉन्ड लास्ट वीक दैट द नॉर्थ कोरिया वुड पे अ प्राइज इफ इट सप्लाइज रशिया विद वेपनरी फॉर द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। डिफाइंग द वार्निंग मिस्टर किम लेफ्ट नॉर्थ कोरिया फॉर रशिया। मतलब तुम किसको धमकी दे रहे हो, तुम लोग को समझ आ रहा है? तुम इसको धमकी दोगे, इसका नहीं मन होगा तो ये जरूर जाएगा, ये ऐसा बंदा है। ये कौन है, पेशकोव सेड द टू लीडर वुड कॉपरेट ऑन सेंसिटिव एरिया दैट शुड नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर एंड अनाउंसमेंट। तो भैया किसी को नहीं पता चलेगा क्या बात करेंगे ये लोग। मिस्टर किम इज ट्रेवलिंग टू रशिया विथ His top military official including Korean People Army Marshal Park Jong-chon and Munitious Industry Department Director Jo Chung। ठीक है भैया, जा रहे अपने साथ के जो इनके टॉप मिलिट्री लोग हैं उन लोगों के साथ। दिस इंडिकेट्स अ पुतिन किम समिट इज लाइकली टू हेविली फोकस ऑन रशिया एंड नॉर्थ कोरिया पॉसिबल मिलिट्री कोऑपरेशन। यांग मू जिन प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया स्टडीज सियोल, इन्होंने बताया सियोल नॉर्थ कोरिया का आपका कैपिटल है, नॉर्थ का है कि साउथ का है पता नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, आप लोग चेक कर लेना। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या हो जाता है, देखिए सबसे पहले रशिया और नॉर्थ कोरिया अपने लिए इम्पोर्टेंट, इसका लोकेशन चेक करिएगा। दूसरा आप देखिए किधर गया, व्लादिवोस्टॉक, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, और दूसरा इसमें हमारे लिए कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ये बार्टर सिस्टम टाइप करेंगे लग रहा है, आर्टिलरी लेंगे, टैंक लेंगे और फिर यह इनसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन और एडवांस सेटेलाइट लेंगे। ठीक है, यही है, यूएसए ने मना किया था कि मत करो तब तो ये बिल्कुल करेंगे, यही बात हो रहा है। तो इस आर्टिकल में बस जानना जरूरी था कि हो सकता है लड़ाई आगे बढ़े, नए नए प्लेयर कूद रहे हैं तो उनके तरफ भी ऑलरेडी उनके सारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं,
तो देखते क्या होता है, बस प्रे ये करता हूँ कि ये कहीं वर्ल्ड वॉर में वापस से ना जाए, ऐसी सिचुएशन ना हो कि वर्ल्ड वॉर हो। तो आप भी प्लीज़ मेहनत करिए, जस्ट वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।